जब औरंगजेब ने आक्रमण किया, हिंदू विद्वेषी था, हिंदुओं का मंदिर को तोड़ रहा था, मान सिंह ने ये सारे विग्रह को लेकर जयपुर चले गए। ये दो विग्रह जयपुर में मिलेगा, लेकिन एक विग्रह आपको मिलेगा करौली में। बोले करौली में कैसे चले गए? हाँ, ध्यान देकर सुना। बोले राजा मान सिंह की एक बेटी थी, बड़ा कृष्ण भक्त थी, बड़ी कृष्ण भक्ति करती थी। वो मदन मोहन जी को अपना हाथों से श्रृंगार करती थी, उनको स्नान कराया करती थी। जब बेटी की उपयुक्त समय हो गई शादी के लिए, तब बेटी की शादी उन्होंने करौली में तय किया। बोले देख बेटी, मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा, अगर तुम्हारी मन में कोई इच्छा हो बताओ। बोले पिताजी, भले ही मेरे को दहेज रूप में कुछ दो और मत दो, हमें ये मदन मोहन ठाकुर दे। बोले बेटी, ये मदन मोहन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी बड़े सुंदर थे। बोले और कोई ठाकुर जी को मांगो। बोले नहीं, तब भी मैं शादी करूंगी तब मदन मोहन को दहेज रूप में दूंगी, नहीं तो मैं शादी करूंगी नहीं। अभी तो बेटी को शादी करवा दी है। बोले देखो, अगर तुम्हारी मदन मोहन का इतना प्रेम है, लेकिन मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले सारे ठाकुर जी को मैं लाइन करके खड़े कर दूंगा और तुम्हारी आंखों में काला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा। जिस ठाकुर जी को तुम स्पर्श करते हुए बोलोगे यही ठाकुर चाहिए, मैं वही ठाकुर दूंगा। अभी रात भर ठाकुर जी को याद करते करते राजकुमारी लेट गई। बोले ठाकुर जी, तू मेरे प्रेम को जानते हो, तेरे को खिलाए बगैर मैं खाती नहीं, सुलाए बगैर सोती नहीं, अपना हाथों से तेरे को मैं श्रृंगार करती हूँ। असली शादी तो मेरी तेरी साथ में हो गया है, लेकिन ऊपर ऊपर से कहीं मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन पिताजी कहते हैं परीक्षा करके देख दे, अभी मेरे को पता कैसे चलेगा ये मदन मोहन है। देखो ठाकुर जी स्वप्न में आए। बोले बेटी, कोई चिंता मत करो, एक काम करियो, तुम सारे ठाकुर जी के शरीर में तुम हाथ लगाते लगाते आना, बहुत सारे ठाकुर है, लेकिन तुम जो मेरे पास में आओगी मैं तेरे हाथ को पकड़ लूंगा, लेकिन ये चीज को सब नहीं समझेंगे, तू समझोगा और मैं समझूंगा। दूसरे दिन पूरा जयपुर के लोग इकट्ठे हो गए, दहेज रूप में राजकुमारी कौन सा ठाकुर को लेकर के जाएगी, परीक्षा होने वाली। सचमुच से जो मदन मोहन को पास में आए ना, ठाकुर जी हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये चीज को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन राजकुमारी समझ रही थी ठाकुर मेरा हाथ पकड़ कर रखे। बोले पिताजी, मेरे को यही ठाकुर दे दो। मान सिंह तो आश्चर्य में पड़ गई, इतने सारे ठाकुर भी इसको पता कैसे चला ही मदन मोहन है। बोले बेटी, तू जीत गई, मैं हार गई हूँ, तुम ये दहेज रूप में ले जाओ। फिर वो ठाकुर जी को उन्होंने दहेज रूप में करौली में ले गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं द्रौपदी जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया जसोदा जैसे, तो कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं ब्रज गोपियां जैसे, तो ठाकुर सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में भक्ति होनी चाहिए। कभी हमारी अंदर में ठाकुर में किसी चीज की कभी नहीं। इसलिए उन्होंने पूरा ब्रज को उन्होंने पुनः उन्होंने स्थापन की, और स्थापन की तो ठाकुर जी की कृपा से ही उनका साक्षात ठाकुर जी की दर्शन भयो है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन देखा कृष्ण विरह में कृष्ण का 16,100 पट रानिया बड़ी दुखी, लेकिन देखा जो कालिंदी है वो कलकल कलकल नाद से बह रही है, इनके अंदर में कोई दुख नहीं। महेश्वर ने पूछा, कालिंदी क्या तेरे मन में कृष्ण विरह नहीं है? बोले नहीं है। बोले क्यों? बोले सिर्फ राधा जी की कृपा से। जब तक राधा जी की कृपा नहीं होना, तब तक ये ब्रजधाम तुमको सुनी सुनी लगेगी। अगर तुम राधा जी की कृपा हो जाए तो पूरा ब्रज तुमको हरा भरा लगेगा। अभी भी कृष्ण है, कहीं गए नहीं वृंदावन छोड़ करके, लेकिन केवल राधा जी के आशीर्वाद से ही ये वस्तु उपलब्ध होता है। बोले हम सबके सब श्री राधा जी के शरण में जाएंगे,
श्री ईश्वर जी की शरण में हम सबके सब ईश्वर जी की शरण में जाएंगे, ये सब के सब श्री राधा जी की शरण में, ये सब के सब श्री राधा जी की शरण में गए हैं। फिर उनको भी उपलब्धि हुई ब्रज में कैसे सर्वत्र श्री कृष्ण विद्यमान है। इसलिए यहाँ पर निरूपण करते हैं भागवत का श्रोता कैसे होनी चाहिए। जैसे गोकर्ण धुंधुकार की कथा है ना, जिस समय श्री गोकर्ण ने कथा सुनाए वहां पर बहुत लोग बैठे हुए थे, लेकिन केवल एक ही रथ आया लेने के लिए। गोकर्ण ने प्रश्न की, बोले यहाँ पर तो कथा सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एक ही रथ क्यों आया है। बोले देखो यहाँ पर देखने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन कथा केवल एक व्यक्ति सुना है। बोले क्यों, जो इतने सारे लोग बैठे हुए, बोले इन लोगों ने कोई कथा नहीं सुने। बोले कथा नहीं सुनी क्या, तो बैठे हुए थे। बोले बैठने पर थोड़ी होगा, इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए। बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मी दीनत्व भावना मान दोष जयस्ते साम कथाया निश्चला मति। देखो कैसे सुननी चाहिए यहाँ पर बताए। पहला नंबर है विश्वास गुरु वाक्य सो, गुरु जी के वाक्यों प्रति और जो वेद पुराण इतिहास का प्रति विश्वास होनी चाहिए। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, 3 घंटा बैठे बैठे करके फिल्म देख लेंगे। फिल्म क्या है बताओ, सिनेमा क्या है, झूठ मूठ एक चीज को एक रूपक दे दिया, यही तो सिनेमा है ना। और सिनेमा क्या बताओ, झूठा चीज है कि नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है, उसको 3-3 घंटा तो बैठे करके हम देख लेंगे, लेकिन हमारी जो गीता रामायण वेद पुराण का प्रति हमारे विश्वास नहीं, इसके प्रति हमारी कोई समय नहीं, आस्था है ही नहीं, क्योंकि हमारे विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं। इसलिए कथा को विश्वास करके सुननी चाहिए। देखो कैसे विश्वास होनी चाहिए। संत लोग एक उदाहरण देते हैं, बोले कोई एक शिष्य था, ये रोज नदी पार होकर के कथा सुनने आता था गुरु जी के आश्रम पर। एक दिन जन्माष्टमी हो गई तो रात को बीच में ठाकुर जी जन्म लेते हैं, उत्सव होता होते 1 बजे गया। बोले गुरु जी मैं घर में जा रहा हूँ। बोले बेटा रात को रुक जा, सवेरे चल जा। बोले नहीं गुरु जी घर में जाऊंगा ना, फिर आपका याद आएगा, कल गुरु जी के आश्रम में जाना, अगर मैं घर में रहूंगा तो मेरे घर की याद आएगी, मेरी पत्नी कैसे है, बच्चे कैसे है, इसलिए गुरु जी मेरे को घर में जाना पड़ेगा। बोले ठीक है बेटा चले जाओ। बोले गुरु जी जाऊं कैसे। बोले क्यों। बोले बीच में नदी केवट तो सो गया होगा, अभी नदी पार कैसे करूंगा। गुरु जी ने बोले देख बेटा तेरे को मैं एक मंत्र लिख करके देता हूँ, ये मंत्र को तुम हाथ में पकड़ लो, तुम नदी के ऊपर में चलते चलते चले जाओगे। बोले ऐसे मंत्र। बोले हाँ बस। उसको पकड़ करके जब चल रहा था ना पानी के ऊपर, चलते 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 जा रहा था। बोले बाप गुरु जी ने क्या मंत्र दिया, पानी के ऊपर चल रहा हूँ, करीब करीब पार हो गया, थोड़ी सी बाकी है। बड़ा आश्चर्य हुआ, मंत्र गुरुदेव क्या लिखा इसमें, मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ। बोले एक बार इसको खोल करके देखूं। वो पेपर को जब खोला है ना, उसमें लिखा हुआ था, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। उसमें ये महामंत्र लिखा हुआ था। जब उसने ये महामंत्र को पढ़ा, बोले इतनी सी बात, बोले हरे कृष्ण और कुछ है ही नहीं, बात झट डूब गया। वो पानी में डूब गया क्यों, अभी तक इसको विश्वास था गुरुदेव ने कोई विशेष मंत्र लिख करके दिया, लेकिन जब देखा ये हरे कृष्ण महामंत्र और कुछ नहीं, जो श्रद्धा थी ना खत्म हो गई, बस झट डूब गया। देखो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कहते हैं, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, यह जप गया सबे करिया निर्बंध।
मैंने तुमको ये महामंत्र प्रदान की है, इसको नियम करके अगर जप करोगे तो भगवान खुद कहते हैं बोले या है ते सर्व सिद्धि है ते स्वभाव, ये हरिनाम ये चिंतामणि है, जो मांगोगे वही इच्छा पूरी होगी। सर्व सिद्धि मतलब भगवत प्राप्ति, भगवत जन्म के दर्शन। लेकिन आश्चर्य की बात है हमारी ये हरिनाम में विश्वास नहीं होता है, इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए बोले विश्वास गुरु वाक्य सो, विश्वास पूर्वक कथा सुन। ये वेद पुराण इतिहास हमारे जो संतों ने लिख कर गई ये सत्य है, इसको पहले विश्वास हो। दूसरी बोले स्वस्मिन दिनत्व भावन, कथा कैसे सुननी चाहिए बोले बड़े दीनहीन होकर के, अभिमान से नहीं घमंड से कथा नहीं सुननी चाहिए, अज्ञानी बन करके श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए। और जो तीसरा है बोले मान दोष जयस तेसा, कथा मन से सुननी चाहिए। जैसे यहाँ पर शरीर से बैठे हुए अगर मन अगर और कहीं है कथा सुनने का फर्क फल नहीं मिलेगी, कथा मन से। अब कहते ना मन से काम करो, मन से खाओ, सो बोलते ना, हाँ। इसलिए जब सब कुछ मन से करते हैं प्रभु का भक्ति तो मन से करनी चाहिए, इसलिए मन को निश्चला मति। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भजन करने के लिए पांच चीज की विशेष जरूरत है। कितने चीज की, जोर से बोलो, हाँ। बोले पहला नंबर क्या है, बोले पहला नंबर है बोले लय। लय मतलब होता है देखना कभी कभी कथा सुनते सुनते कोई सो जाते हैं, नहीं इसलिए कथा सुनते समय सोई सोनी नहीं चाहिए। बोले अभिनिवेश, जैसे श्री भरत महाराज जी भजन के लिए आए लेकिन उन्होंने भजन करते करते एक हिरण का प्रति आसक्ति हो गई, बस अगले जीवन में हिरण बनना पड़ा, इसलिए कहते लय प्रति विखे। विखे मतलब होता है जैसे भजन कर रहे हैं हरिनाम कर रहे हैं बैठ करके, लेकिन मन में मन इतने चंचल है जब माला लेकर के थोड़ी समय बैठो ना ये माला को देखने लग जाते, बोल अभी तक खत्म अभी तक नहीं हुआ, रोटी अभी ठंडा होने जा रही है अभी तक खत्म नहीं हुई, ये माला कब खत्म होगी, कुछ बात नहीं बैठ करके मन लगा करके भजन कर सकते हो, लेकिन मन में चंचल है कब खत्म हो भजन कब खत्म हो। लेकिन जब टीवी देखो ना बोले कब तक ये टीवी और भी चलनी चाहिए, सिनेमा और भी चलनी चाहिए, भजन कब खत्म होनी चाहिए, बोले भैया ऐसे भजन से काम नहीं चलेगा। इसलिए बोले अभिनिवेश, बोले रसा स्वाद, रसा स्वाद मतलब है जैसे माला लेकर के भजन कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भजन कर रहे हैं, ये जो मन है ना ये और कहीं बोल गप्पे दुकान में, नहीं तो परना दुकान में चला गया, तो किसी दोस्तों के पास में चला गया, नहीं तो सिनेमा में चले गया। लेकिन यहाँ पर तो हाथ भी चल रहा है, यहाँ पर भी मुंह भी चल रहा है, लेकिन मन यहाँ है ही नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये सब चीज को ध्यान रखते हुए अगर भजन करेंगे, कमी तो भगवान के नाम में तो कमी है ही नहीं, कमी किसके अंदर में, कमी हमारी अंदर में कमी है। इसलिए बोले देखो एक मन से कथा नहीं सुने इसलिए इनके लिए रथ नहीं आया। फिर श्री गोकर्ण ने दो बार बोले जितने श्रोता को बोले देखो केवल शादी दीदी, कल से सभी लोग कथा में जल्दी जल्दी सभी लोग आओ, आ करके केवल सात दिन की कथा सुन लो, फिर हमारी जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए हमें मुक्ति मिल करके प्रभु के चरण में चले जाएगी। फिर दूसरे दिन सबके सब टाइम पर आए और श्री गोकर्ण ने सभी को उन्होंने कथा सुनाया, सब लोग एक मन से कथा सुनी। जब कथा विश्राम हो गई ना जितने वहां भक्त लोग बैठे हुए थे सभी के लिए एक एक रथ आया और सबके सब रथ में बैठे बैठ करके भगवान का धाम को गमन किए, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जो गोकर्ण था ना जो गोकर्ण था लेकिन इनको विशेष स्वागत पूर्वक लेकर गए, बोले क्यों, बोले एक व्यक्ति की वजह से इतने व्यक्तियों को प्रभु की धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
जगत में बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा दान करते हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए सबके सब भगवत लोक में गमन किया। देखो हम भी कथा सुन रहे हैं, जब ये कथा विश्राम हो जाएगी ना, हम सभी के लिए भी एक एक रथ आई ले जाने के लिए। आप लोग जाओगे? कौन कौन जाएगा हाथ उठा? अगर रथ आ गया तो सचमुच से कौन कौन हाथ उठा जोर से, तब तो रथ आएगी। और ऊपर देख रहे हैं कौन कौन जाना चाहते हैं। मुझे लगता है सचमुच से रथ आ जाए ना, यहाँ पर एक व्यक्ति को भी बैठने के लिए नहीं मिलेगा, सब भाग जाएंगे। बोले अभी बेटी की शादी नहीं हुई, पति को रोटी कौन खिलाई, अभी घर का ये सारे काम पड़ा हुआ है। भैया कोई चिंता की बात नहीं, जब तक ये मन से आसक्त नहीं जाएगी ना, रथ भी आने वाले नहीं। परीक्षित महाराज के रथ क्यों आए, कारण क्या है? उन्होंने कथा सुनते सुनते सारे आसक्ति संसार से खत्म कर दिया, तभी तो रथ आए ना। इसलिए कोई चिंता नहीं, आप लोगों को भजन करो, भक्ति करो, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए बोले जो श्रोता है, श्रोता बोले दो तरह का, देखो ध्यान देकर सुना, मैं कल सबसे अब सुनूंगा, जो मेरे को बोल देगा मैं इसको इनाम दूंगा। श्रोता दो तरह के श्रोता है, कितने तरह के? एक है अच्छे श्रोता है और एक घटिया श्रोता है। बोले जो अच्छा श्रोता वो चार तरह के है। पहला नंबर है हंस, जैसे हंस को दूध दो, देखना वो दूध दूध को तो पी लेता है और पानी पानी को छोड़ देता है। हमें कथा कैसे सुननी चाहिए? हंस जैसे। बोले जीवन में सार सार को उतारो और असार को छोड़ दो। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी, जैसे कांटा की वृक्ष में कहीं फूल क्यों नहीं हो, वहां भी मधुमक्खी बैठ करके शहद का आहरण कर लेता है, बड़ी सुंदर एक छत्ता बना देता है जो ठाकुर की सेवा में लगता है। इसलिए एक मक्खी एक मधुमक्खी। आप बताओ मक्खी कहाँ बैठेगा? जैसे मानो यहाँ पर फूल चारों तरफ में खिला हुआ है, घर में फूल ही फूल है, लेकिन एक कोई छोटी जगह में कोई गंदगी है, आप बताओ मक्खी कहाँ पर जाकर बैठेगी? गंदगी में बैठेगा, लेकिन पूरा गंदगी गंदगी, लेकिन वहां पर एक फूल है। मधुमक्खी कहाँ बैठेगा? फूल में बैठेगा। इसलिए हमें मक्खी नहीं बन करके हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर मछली, मछली को देखिएगा उसका जो आंखों का जो पलक है ना, वो कभी झपकती नहीं, वो एकदम आंख खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? टकटक लगा करके एक मन से कथा सुननी चाहिए। चौथा है चातक, एक चिड़िया है वो किसी नदी का नहीं तो किसी तालाब का पानी कभी नहीं पिएगा, वो पिएगा तो स्वाधी नक्षत्र का पानी, जो बरसात हो ना वो तभी पानी पिएगा। हर समय वो बोलता है प्यास अहम प्यास अहम पानी पानी, मतलब क्या? कथा सुनेंगे तो ठाकुर ही कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं किसी की चुगली निंदा बुराई हो रही वहीं पर बैठ करके सारे उल्टा पुल्टा कथा सुनना शुरू करते, नहीं, हमें सुनना तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे। क्योंकि ये चार तरह के अच्छे श्रोता है, बोले चार तरह के घटिया श्रोता है। बोले पहला नंबर है भुरुण, ये कि चिड़िया वो रहता है हिमालय पर्वत में, आप इसको जैसे सुना हो वो ठीक आपको वैसे ही सुना देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी उतारेगा नहीं, सुन भी लेगा सुनाई भी देगा, लेकिन अपना जीवन में कोई शिक्षा को नहीं उतारेगा, कहती है भुरुण। दूसरा नंबर ऊंट, आप ऊंट को कोई कोमल कोमल आम की पत्ता दो, बड़े सुंदर सुंदर, देखना वो नहीं खाएगा, वो देखेगा बबुल का पेड़ कहाँ पर, कांटा की वृक्ष कहाँ पर, मतलब क्या? कुछ लोगों का ऐसे स्वभाव है, अगर ठाकुर जी की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा हो वहां पर मन नहीं लगता है, जहां पर चुगली बुराई हो वो वहीं पर जा करके बैठेंगे, इसलिए इनको कहते हैं ऊट। तीसरा नंबर है बलब, पेड़, आप गैया को कोई भूसा दो नहीं तो सुंदर सुंदर कोई फल दो, देखना दोनों में कोई फर्क नहीं मानता है, वो दोनों को एक ही मानता है, मतलब क्या है? भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की बात हो, कहीं कुछ भी हो वहीं पर बैठ कर कथा सुनता है, बोले नहीं। और जो चौथा नंबर है भेड़िया, हाँ इसको ध्यान देकर सुना, ये भेड़िया छोटा जाति का एक बाघ होता है,
उसको पता है मैं हिरण को पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कहीं अगर सुंदर शब्द सुरीली शब्द कहीं हो, हिरण का कान खड़ा हो जाता है, वो सुनने लगता है, ठीक उसी समय में वो आक्रमण करता है। मतलब क्या है? पहले कुछ ऐसे व्यक्ति है जो स्वयं कथा नहीं सुनेंगे और पास वाले जो व्यक्ति उसको भी सुनने नहीं देंगे, बिना कारण के कारण बात करते रहेंगे, तेरे घर में क्या भोजन होता था, तेरे को पता है ऐसे ऐसे हुआ, बिना कारण से सुनेंगे नहीं और दूसरे व्यक्ति को भी सुनने नहीं देंगे। बोले ये चार तरह का घटिया श्रोता है। बोले ये जो श्रीमद भागवत कथा ये चार तरह के है, बोले सात्वी राजसी तामसिक और निर्गुण। बोले सात्वी की कथा किसको कहते हैं? जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा को तो सुनते हैं, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई उसकी मतलब नहीं रहता। दूसरा तरह का कथा है राजसी। राजस की कथा किसको कहते हैं? जैसे भागवत कथा की आयोजन की गई, बड़ी जोर तोर से भागवत कथा की आयोजन की, सारा दुनिया लोगों को बुलाए, भागवत कथा होगी, कथा सुनने आओ कथा सुनने आओ, लेकिन खुद कथा में बैठ करके नहीं सुनेंगे, केवल दूसरे दूसरे काम में बिजी रहेंगे, लेकिन कथा ही नहीं सुनेंगे, जिसको कहते हैं राजसी कथा है। बोले तामस की कथा किसको कहते हैं? जैसे सात दिन की कथा हो रही है, कभी कथा में बैठ करके सुनेंगे, कभी कभी मन उचट गया, मन कथा में मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आ जाए, नहीं तो कथा को बाद में आएंगे, कभी सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे, हैं? किसी तरह से सात दिन को बिता देना, इसको कहते हैं तामसी कथा। लेकिन सही कथा किसको कहते हैं? निर्गुण कथा किसको कहते हैं? बोले सदा सव्याम सदा सव्याम श्रीमती भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रिणाम हरिश्चितांग समाश्रय। ये जो भागवत कथा है ये सात्विक के लिए नहीं, कद सदा सव्याम जीवन ही कथा बना दो, अपना जीवन को कथा बना दो, नियम कर दे, गीता हो रामायण हो भागवत हो कोई सात ग्रंथ हो, नियम करके घर में रोज आना भागवत कथा पढ़नी चाहिए। बोले श्लोक एक श्लोक आधी श्लोक, अगर आधी से आधी श्लोक अगर किसी घर में पढ़ाई हो भागवत का, बोले उसी घर में श्री ठाकुर जी जुगल सरकार स्वयं उनके घर में ही निवास करते हैं। इतने महिमा भागवत कथा की, इतने महिमा है। इसलिए अपना जीवन वही प्रभु की भक्ति में प्रेम में अपना जीवन को बना दो। देखो ध्यान दे, किसने आकर के हमारे बड़े गुरु जी को बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, अब इतना घर घर की बात, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। तो गुरु जी ने पूछा, बेटा तुम रामायण कभी पढ़े हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को कभी रामायण तुमने पढ़ाया? बोले नहीं। बोले भैया जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको भी यही दुर्गति होगी। कहां पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए? ये रामायण शिक्षा देता है। बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। भगवान स्वयं सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते पिता गुरु। अब रामायण देखे होंगे ना, जब भगवान राम भगवान श्री दशरथ महाराज सैन्य की होगी, भगवान स्वयं जाकर के पिताजी के चरण की सेवा करते थे। तब रामायण देखेंगे पढ़ेंगे तभी तो संस्कार आएगा ना, नहीं पिता माता की सवेरे उठो, अपना सास ससुर की अपना पिता माता की सबसे पहले चरण छो उनका आशीर्वाद लो, हैं? चरण छो करके आशीर्वाद लो, पिताजी के आदेश को पालन करो। भगवान राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? बोलो कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए ठाकुर जी वनवास गए। जब रामायण कोई पढ़ेगा तभी तो समझेगा, नहीं पिताजी के आदेश हमें पालन करनी चाहिए, हैं? पिताजी की सेवा हमें करनी चाहिए। ये रामायण हमें शिक्षा देती है, गीता भागवत हमें शिक्षा देती है ये सब चीज को। इसलिए गुरु जी ने कहा, भैया अगर अपना घर को अयोध्या बनाना चाहते हो, अयोध्या मतलब क्या? जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है। अवध बनाना चाहते हो, जहाँ पर कोई मरते नहीं, क्या करो?
रोज ये रामायण ग्रंथ को रोज घर में पढ़ो, घर में खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। लेकिन हम खुद भी पढ़ते नहीं, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। अब बच्चों को स्मार्टफोन दे देते, दिन भर पबजी देखते हैं, 10-20 हजार रुपया की, लेकिन 10 रुपया 100 रुपया की कोई रामायण नहीं पढ़ाते। इसलिए घर में नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? बच्चों को बोलो, बच्चों जब तक तुम गीता की एक श्लोक नहीं पढ़ लो, एक श्लोक और उसका मीनिंग, नहीं तो रामायण दो चार चौपाई रामायण नहीं पढ़ लोगे, नहीं तो भागवत नहीं पढ़ोगे, तुमको भोजन नहीं मिलेगा। और बोलो बच्चे को, नहीं तो कम से कम स्कूल जाने से पहले एक माला जप करके जाए, एक माला ठाकुर जी की जप करके जाए। आप बोलो बच्चे बात नहीं सुनी, आप बताओ स्कूल में उसको जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं? जैसे क्लास 9 बजे शुरू होगी, नहीं तो 8 बजे उसको एक घंटा पहले उसको स्नान करके तैयार करके भेजते कि नहीं? जोर जबरदस्ती से पेपर आ जाए, ए बेटा पेपर आ गया, बैठ करके पढ़ो। पढ़ेगा नहीं, थप्पी थप्पड़ मार कर पढ़ाते कि नहीं? बताओ पढ़ाते कि नहीं उसको? पढ़ाते उसको। जब साधारण विद्या के लिए पढ़ा सकते हैं, क्या भगवान के लिए 10 मिनट ठाकुर के लिए समय नहीं है? जिसने हमें ये दुनिया दिया, जिसका दुनिया, जिसने सब कुछ दिया है, फ्री में पानी दे रहा है, फ्री में लाइट दे रहा है, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं। इसलिए सूरदास का एक दोहा है, जिनी तनु देही ताही विसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम फोन कुटिल खलकामी। ये सूरदास की पद है। इसलिए जिस घर में रामायण होगी, गीता होगी, भागवत, वो भगवान की धाम बन जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भैया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे हरे मन बसी गयो नंदी की आज एकादशी है ना, एक बार जो नाचेगा ना 100 बार नाचने का फल मिलेगा। और आज जो एकादशी जानते हो, आज एकादशी का नाम क्या है? आज एकादशी का नाम है विजया। विजया मतलब होता है सफला। आज एकादशी का नाम सफला। सफला मतलब क्या? आज कोई भी काम करोगे कभी फेल नहीं होगा, सफल जरूर होगा। इसलिए आज एकादशी का नाम सफला एकादशी है। और भागवत में केवल एकादशी कथा थी, एकादशी की बड़ी महिमा। एकादशी मतलब क्या है? 11 हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, इनका राजा मन है। आज का दिन ये 11 इंद्रियों को, 11 शब्द 11 इंद्रियों को क्या करना? ठाकुर जी को सेवा में कैसे लग गया? जब नाचोगे ना, सब इंद्रियां ठाकुर को सेवा में लग जाती, सब इंद्रियां लग जाती है। इसलिए एक बार खड़े होकर नाच लो, फिर दोबारा बैठ जाना। मन बस गयो नंद किशो, मन बस गयो नंद किशो, अभी जाना नहीं कहीं और, बसारो वृंदावन रखना हो है, राखो किसी भी रखना हो है।
आज मेरी मंजूरी करना, आज मेरी मंजूरी करना, आज मेरी मंजूरी करना, आज मेरी मंजूरी करना, रावण से दूर न 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 करना। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी बोलिए, आज के दिन एकादशी है, एक बार महामंत्र लेने का कोटि कोटि फल मिलेगा। सभी हाथ उठाकर जितना जोर से बोल सकते हैं बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे आप लोग बोलिए मैं सुनूंगा जोर से। सर्वप्रथम स्मरणीय गुरुपाद पद्म परमार्थतम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली माता प्रभु भाई बहन सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं, विशेष करके वो मंगलाचरण तीन श्लोकों द्वारा करते हैं। हमारे टीकाकार कहते हैं कि मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है और मंगलाचरण होता है किस प्रकार का।
तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि कोई मंगल कार्य करो, कुछ भी शुभ कार्य करने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से सारे अमंगल भगवान दूर कर देते हैं। मंगल भवना अमंगल हार। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पर जब मंगलाचरण करते हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले तीन श्लोकों द्वारा मंगलाचरण करते हैं, और उसी के अंदर ही तीन तरह का मंगलाचरण भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कहते सर्वप्रथम श्लोक जो है, सर्वप्रथम श्लोक वर्णन करता है कि भैया हम ध्यान किसका करें। श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए और उनको नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वाणी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यं परम धीमहि। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है, बोले गायत्री भाष्य रूपो असो। इसीलिए यहाँ पर सत्यम परम धीमहि के माध्यम से बतला रहे हैं कि ध्यान किसका करो। ये साक्षात गायत्री का भाष्य स्वरूप है कि ध्यान यदि करना चाहते हो तो उस परम सत्य का ध्यान करो। वो परम सत्य कौन है? इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक के अंदर किसी का स्पष्ट नाम नहीं लिया, केवल मात्र गुण जो विशेषण वर्णन किए हैं। ध्यान करना हो तो उस परम सत्य वस्तु का ध्यान करो। अभी अलग अलग उपासक उस परम सत्य को अलग अलग कहकर निरूपण करते हैं। जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं वे कहते हैं कि भैया सत्यम शिवम सुंदरम वो ही परम सत्य है। जो लोग देवी माँ की उपासना करते हैं कहते हैं कि देवी मैया ही परम सत्य है, उनका ही ध्यान करना चाहिए। जो लोग गणेश जी की उपासना करते हैं कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, सर्वप्रथम अग्रगण्य पूजा तो श्री गणेश जी की ही होनी चाहिए, इसलिए परम सत्य श्री गणाधिराज गणपति ही है। लेकिन श्री वल्लभाचार्य वो अपनी टीका में कहते हैं कि परम सत्य केवल मात्र श्री कृष्णचंद्र के अलावा और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि तो उनका मुख्य लक्षण है और जन्मादस्य जठर ये उनका गौण लक्षण बताया। और विशेष करके हम आगे जाकर श्रवण करेंगे, जब मैया देवकी के गर्भ में भगवान कृष्णचंद्र थे उस समय पर समस्त देवता जिनकी हम पूजा करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं ने आकर मैया देवकी की गर्भ स्तुति करी है, और उस गर्भ स्तुति करते हुए वो कहते हैं सत्यम परम त्रिसत्य सत्यश्च योनि निहितं च सत्य। वहां पर श्री कृष्णचंद्र को सत्य 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 कहकर वो संबोधित करते हैं। आपका धाम सत्य है, आपका नाम सत्य है, आपकी प्रतिज्ञा सत्य है, इसीलिए सत्य सत्य कहकर वो भगवान कृष्ण को ही संबोधित करते हैं। और विशेष करके ये सत्य स्वरूप भगवान क्यों हैं? क्योंकि वो सत्य संकल्प है। जो देवताओं की रक्षा करने का संकल्प लेके भगवान उनको आश्वासन दिए थे खीर समुद्र में, वही संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्री देवकी जी के गर्भ से अवतरित होंगे। इसीलिए सत्यम परम धीमहि भगवान कृष्णचंद्र ही वो परम सत्य वस्तु है, उनका ही ध्यान करना चाहिए। तब उस समय पर कहते हैं कि उनके और लक्षण क्या है, बोले जन्मादस्य जतः। जन्म आदि अर्थात सृष्टि स्थिति प्रलय उन्हीं भगवान के आदेश अनुसार होती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि क्या केवल मात्र कृष्णचंद्र का ध्यान करें, भगवान कृष्ण क्या उन्हीं का ही ध्यान करना चाहते हैं? बोले नहीं, श्रीमती राधा रानी जब तक कृष्ण के वाम पार्श में ना हो तब तक वो कृष्ण भी अधूरे हैं। राधा के बिना कृष्ण आधा है ना। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर रूप में कीर्तन में कहते हैं केवल माधव पूजय सो अज्ञानी राधा अनादर करय अभिमानी। केवल Thank you.
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भैया अगर श्रीमती राधा रानी का कृष्ण चंद्र के साथ में भजन नहीं किया तो तुम्हारा भजन व्यर्थ है। सूर्य यदि आसमान में उदित हो और उसके साथ में प्रकाश और ताप नहीं हो, क्या ये कभी संभव है? उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी जब तक कृष्ण चंद्र के साथ ना हो तब तक कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो लोग केवल मात्र कृष्ण की पूजा करते हैं वो केवल मात्र अभिमानी है, वो अज्ञानी है। राधा अनादर करई अभिमानी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को कभी संग नहीं करना, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य कौन है? कहते हैं परम च पराम च परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता। वो परा देवता श्रीमती राधा रानी है, वो उनकी परा शक्ति है। जब तक शक्ति शक्ति के बिना शक्तिमान का क्या अस्तित्व? इसीलिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ये युगल उपासना ही करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी जब तक श्री कृष्ण चंद्र के साथ में ना हो कृष्ण की पूजा संपूर्ण नहीं होगी। श्री युगल सरकार को हम परम श्री परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। बोलो श्री राधा रानी की। उसके बाद में जो दूसरा श्लोक कहते हैं, दूसरे श्लोक के अंदर मंगलाचरण कहते हुए यहाँ पर भागवत हमें क्या आशीर्वाद प्रदान करता है? यदि कोई भागवत कथा श्रवण करे तो किस वस्तु की प्राप्ति होगी, इसका लक्ष्य करते हुए आशीर्वाद ये इस श्लोक के अंदर कहते हैं कि भागवत हमें क्या आशीर्वाद प्रदान करता है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परम निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो अनुमूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परेरिश्वर सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं इस भागवत के अंदर कोई साधारण वस्तु का वर्णन नहीं किया है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र, अर्थात जितने सारी कपटता आज के समय पर भागवत कथा या धार्मिक लोग, जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जितने सारे कपट आचरण करके दिखा रहे हैं, उन सबको पूर्ण रूप से भागवत के अंदर हटा दिया गया है। धर्म अर्थ काम यहाँ तक कि मोक्ष भी, जिस मुक्ति को पाने के लिए कई कई योगी तपस्वी ध्यान करते हैं, उस मुक्ति को भी इस भागवत के अंदर से पूर्ण रूप से निकाल दिया। तो भैया क्या वर्णन किया है? कहते हैं वास्तव वस्तु, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु। यहाँ पर भागवत के अंदर वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण की ही सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। जब तक जीव भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं को श्रवण ना करे, उन लीलाओं में जब तक उसका मन पूर्ण रूप में रम ना जाए, तब तक इस संसार से उद्धार पाना, वो कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करना असंभव है। इसीलिए इस भागवत ग्रंथ की इतनी महिमा है, यदि कोई श्रवण करने की इच्छा मात्र भी करे, केवल मात्र यदि कोई कथा में आया नहीं है, किसी ने पैम्पलेट देखकर बस केवल मात्र इच्छा करी कि भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, हम सुनने जाएंगे या जाऊंगी, केवल इच्छा मात्र करने से ही क्या होता है? सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र, भगवान कृष्ण चंद्र उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इतना दयालु है ये भागवत ग्रंथ। कहते हैं अवरुद्धते, सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र, विराजमान नहीं कहा, कहते हैं अवरुद्धते। अवरुद्ध का क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीछे का दरवाजा खुला है, जिसकी जब इच्छा होगी उठकर और जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सारे गेट बंद कर दें तो उस समय पर आप विराजमान नहीं, आप अवरुद्ध हो गए, आप बाध्य हो गए, आपको यहाँ पर बैठना ही होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी विराजमान नहीं होते, उस हृदय के आकर अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। मानो कोई व्यक्ति कमरे के अंदर प्रवेश किया और उसने खुद ने ही अंदर से बुद्धि बंद कर ली। ठीक उसी प्रकार केवल इच्छा मात्र करने से ही श्रीमद् कृष्ण श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से कृष्ण क्या होगा? उस हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे। बोलो श्री भागवत कथामृतम की। जो तृतीय श्लोक है, तृतीय श्लोक के अंदर वर्णन करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा श्रवण करना नहीं, ये है साक्षात कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान रहना। हम सुन रहे थे ना, भागवत पद्म पुराण कहता है ये भागवत ग्रंथ से जो कुछ इच्छा करो, जिन लोगों के पुत्र नहीं उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, जिन लोगों के विवाह नहीं हुआ उनको विवाह हो जाएगा, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनके भी मनोवांछा पूर्ण होगी, जिनको धन दौलत पैसा अरे संसारिक वस्तु तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ अनायास आसानी से ही प्रदान कर देगा, यहाँ तक कि परम दुर्लभ वस्तु भगवान कृष्ण चंद्र